नहीं, बाबर जैसा प्लेयर है, उसकी फॉर्म हो ना हो, उसकी अपनी क्लास है, और मेरे ख्याल में बाबर की फॉर्म पे कभी शक नहीं करना चाहिए। कि साइम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है, उसको भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि बाबर और रिजवान का, तो इन तीनों को हमने कंटिन्यू किया तो ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को मैचेज जुड़ा देंगे। नहीं, अभी लास्ट मैच में भी उसने ही बोला कि पाइन यार मेरे पीछे लगे हुए हैं, ग्राउंड में तो जो भी चलता रहता है, लेकिन बाहर बहुत अच्छी दोस्ती है उनके साथ। तो मैं सम अप किस तरह करते हैं, जिसने अभी पहले भी सवाल किया था कि जीत नहीं आ रही है, तो इस पर क्या कहें? देखें, जीत और हार जो है वो आपने सुना होगा कि एक हैबिट है, तो बिल्कुल इस जीत की आदत को हमें अपनाना पड़ेगा। लेकिन ये कि टीम अच्छा खेल रही थी, और मुझे यही उम्मीद है कि ये जिस तरीके से मैनेजमेंट ट्राई कर रहे थे कि वर्ल्ड कप के लिए हमारे पास जो बेंच है वो स्ट्रांग हो, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स को मौका दिया, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इससे हमें वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओपनिंग पेयर, आप भी ओपनिंग काफ़ी अर्सा आपने की है, तो अभी ओपनिंग को लेकर काफ़ी बहस हो रही है, आप क्या समझते हैं इसको तब्दील करना चाहिए अभी, या बाबर रिजवान ठीक थे, हमें जीत आ रही थी? देखिए, मैं तो अगर कप्तान हूँगा फिर ही मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ, ये मैनेजमेंट का फैसला होता है। लेकिन ये कि बाबर और रिजवान का जो है नेमल बदल जो है मेरे ख्याल में वो बहुत कम है, लेकिन ये कि साइम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा हाई रेट करता हूँ उसको, उसको भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कि बाबर और रिजवान का, तो ये जो टॉप थ्री हमारे हैं, मैं चौथे पे बहुत खुश हूँ, लेकिन ये कि जो टॉप थ्री हैं ये बहुत तगड़े हैं, और बस मैं तो यही कहूँगा अगर इस इन तीनों को हमने कंटिन्यू किया तो ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को मैचेस जुड़ा देंगे आगे। बाबर ने 350 की हैं, और फिर अब उन्होंने BBL में भी परफॉर्मेंस दी है, उनकी फॉर्म वापस आ रही है, तो क्या कहेंगे? देखिए, बाबर जैसा प्लेयर है, उसकी फॉर्म हो ना हो, उसकी अपनी क्लास है, और आपको पता है प्रोफेशनल क्रिकेट में अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा आते हैं, स्पेशली अगर आप मुश्किल कंडीशंस में खेलते हैं, तो जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा था तब भी हमें अगले उसके अगले इनिंग में हमें लगता था कि ये आज बड़ा स्कोर करेंगे, तो मेरे ख्याल में बाबर की फॉर्म पे कभी शक नहीं करना चाहिए। दो तीन इनिंग्सों में आपने लंबे छक्के मारे, स्कोर भी बड़ा किया, लेकिन जीत नहीं है, फगर कितना डिसअपॉइंट आप होते हैं कि इतना अच्छा मोमेंटम दे के कभी बारिश रखना डाल देती है और कभी हमारी बॉलिंग नहीं रिस्पॉन्ड कर पाती है, अपनी एफर्ट के बारे में? देखें, एफर्ट तो इस लेवल पर हम लोग बिल्कुल करते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा भी है, और हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि अपनी कौम को जीत का तोहफा दे। मुझे लग रहा है ये सारा कुछ जमा हो रहा है, इंशाल्लाह ये हम लोग वर्ल्ड कप में दिखाएंगे। अच्छा, ऐश सऊदी ने कभी कोई शिकवा तो नहीं किया है कि किया है? काफ़ी दफ़ा किया। अच्छा, अभी नहीं, अभी लास्ट मैच में भी उसने ही बोला कि पाइन यार मेरे पीछे लगे हुए हो, मैंने उसको बोला यार बस क्या करें, अब आप ही मिल जाते हैं। लेकिन ये कि उसके बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती है, और ग्राउंड में तो जो भी चलता रहता है, लेकिन बाहर बहुत अच्छी दोस्ती है उनके साथ, तो चलता ही है। आखिरी सवाल है अकेडमी के बारे में, कि अकेडमी बनाने का मकसद क्या है, और यहाँ पे किस एज के बच्चे होंगे इस पर थोड़ा सा? देखिए, एज तो एज की लिमिट कोई नहीं है, यहाँ पर कोई भी आ सकते हैं, और इसका मकसद यही है कि यहाँ से मतलब जो दुबई में और पाकिस्तान में यहाँ से टीमें जाएगी वहाँ से यहाँ पे आएगी, क्योंकि पाकिस्तान में भी हमारी दो एकेडमीज़ है, अभी हम तीसरी पे और काम कर रहे हैं, तो और वहाँ पे स्कॉलरशिप पे भी हमने काफ़ी सारे प्लेयर्स लिए हुए हैं, तो बस यही है कि बस एक शौक़ है कि क्योंकि मैंने जो क्रिकेट खेली है बड़ी मुश्किल से खेली है, तो मेरा ये है कि जो जो नए बच्चे हैं उनको मेरी वाली जो मुश्किल है उसका सामना ना हो।